साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है, ये इसको इवेल्युएट करना है। ओके, सो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, टैन 45 डिग्री 1 होता है, कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है 2 अपॉन रूट थ्री, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है, ये 1/1 कर दिया ताकि समझने में आसानी हो। अब सेक 30 डिग्री होता है 2/√3, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 और कॉट 45 1, ठीक है। अब इतना हम लोग लिख दिए, इसके बाद क्या होगा, ये देख लो, ये हाँ डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसका 2, 1 और √3। ओके, सो हम लोग एलसीएम क्या ले लेंगे, इसका, इस पोर्शन का 2√3, ठीक है, इसका एलसीएम ले लिए 2√3। अब देखना यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ मैं समझाया हूँ इसका प्रोसेस को, इसको मत लिखना, ये रफ वर्क है, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2√3 है, सो ये इतना आना, मतलब मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए, ठीक है, सो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से, 2 × √3 = 2√3। ओके, इस √3 को हम लोग को इससे, इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आए, ये रहा डिनोमिनेटर में 2 है, सो 2√3 लाना है, सो 2 × √3 2√3 होगा, और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ये रहा √3 से, सो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ, मतलब जितना रहेगा, यहाँ 1 है सो यहाँ √3 आ गया, समझ में आया कैसे आया, ठीक है। अब नेक्स्ट, फिर यहाँ 1 है तो ऑफकोर्स यहाँ 2√3 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, देख लो, फिर यहाँ 4 कैसे आया, सेम लॉजिक, यहाँ √3 था, यहाँ 2, सो √3 × 2, सो ये वाला 2 × 2, सो ये रहा 4 हो गया, ठीक है, तो ये इसी प्रोसेस को फॉलो करो सेम यहाँ, तो इसका भी देख लो, यहाँ डिनोमिनेटर में √3 है और यहाँ 2 है, सो एलसीएम आएगा 2√3, सेम प्रोसेस होगा जिस तरह मैं यहाँ एक्सप्लेन किया हूँ, तो इस तरह करने से यहाँ 4 आएगा, देख लो, क्योंकि यहाँ √3 है, यहाँ 2√3 है, सो यहाँ 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ 2, सो यहाँ यहाँ 2 है, यहाँ 2√3 है, सो यहाँ √3, यहाँ देख लो 1 है, करेक्ट, सो यहाँ तो पूरा 2√3 ही होगा, सो ये प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो रिमेनिंग ये बचा और ये, इसको हम लोग लिख दिए। ओके, देख लो, अब ये √3 और प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 होगा, और ये -4, करेक्ट, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये और ये ऐड होगा क्योंकि लाइक टर्म्स है, ठीक है, सो ये 3√3 और ये रहा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये तो पता है रैशनलाइजेशन, ये रहा, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये पूरा बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, और यहां किस फॉर्म में है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में है, करेक्ट, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रहा, देख लो, यहाँ अभी समझा रहा हूँ, तो ये पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 को इससे, सो इतना आएगा, देख लो, 4 × 3 = 12 और ये √3, ठीक है, अब 4 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ माइनस है तो 4 × 4 = 16, सो -16, ठीक है, अब इसका काम तो हो गया, अब इसका ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 3 = 9 हो गया, 3 × 3 = 9 और √3 × √3 = 3, सो 9 × 3 = 27, और माइनस में है तो माइनस, ये रहा माइनस, अब नेक्स्ट फिर ये इससे मल्टीप्लाई होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 × 4 = 12 और ये √3, करेक्ट, ठीक है। अब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और इस चीज का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, सो 3 × 3 × √3 × √3 होगा, सो 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, ओके, इतना आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड और मतलब जो भी फॉर्म में है, सो 12√3 और 12√3, सो 24√3 और −16 और −27 क्या हो जाएगा, −43 हो जाएगा, ठीक है, और 16 − 27 − 11 हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या करना है, देख लो, यहाँ ये माइनस साइन है तो इसको हम लोग को हटाना होता है डिनोमिनेटर से, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 × -1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे,
तो उससे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो नीचे का माइनस वन से मल्टीप्लाई करने से यहाँ माइनस इलेवन है, सो ये माइनस माइनस प्लस में चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ का जो माइनस है ये प्लस में आ जाएगा, और ये जो प्लस में था, ये प्लस में जो था ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली इंटू माइनस वन से कर देना, उतना मतलब यहाँ शो नहीं करना है, ठीक है, बस खाली इंटरचेंज कर दो साइन का, यहाँ जो माइनस होगा इसको हटा दो और न्यूमरेटर में जो साइन है उसको इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो ये रहा आंसर, समझ में आ गया, ओके।